बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जो कि 5 लेयर्ड मैंगो कस्टर्ड रेसिपी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और माउथ वाटरिंग है, जिसको देखते साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप हमारी रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले हमें एक बोल में 3 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप मिल्क। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मिक्सचर बनाने के बाद हमें एक पैन लेना है और पैन को मीडियम हीट पर रखकर 2 कप मिल्क ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम दूध को बॉईल कर लेंगे। देखिए, हमारा जो दूध है वो बॉईल हो चुका है, तो जो हमने कस्टर्ड मिक्सचर बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इसे मीडियम हीट पे चलाते रहना है ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। अगर हमारे कस्टर्ड का मिक्सचर थिक हो जाए तो उसकी कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए हमने इसमें मिल्क ग्रेजुअली ऐड करते रहना है। अब हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, तो हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रेस्ट दे देना है और फिर हम इसे रेफ्रिजरेटर में 1 घंटा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक आम लेंगे, जिसको हम पील कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे पील कर लेना है। पील करने के बाद हम आम को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब हम अपने मैंगो क्यूब्स को एक साइड पे कर देंगे। अब हमने 4 स्मॉल स्लाइसेस के प्लेन केक ले लिए हैं। अब हम अपने स्लाइस्ड केक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब मैं अपने पाइपिंग बैग बनाने के लिए जो है एक प्लास्टिक शॉपर ले लूँगी, जिसमें मैं अपना कस्टर्ड डाल के जो है स्प्रेड कर दूंगी। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसके बगैर स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने अपने फर्स्ट कस्टर्ड लेयर बनाने के लिए एक बोल में पाइपिंग बैग की मदद से कस्टर्ड मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है। अब हम केक की मदद से कस्टर्ड का सेकंड लेयर बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से चारों साइड में फैला देंगे। अब हम कस्टर्ड के थर्ड लेयर के लिए कस्टर्ड मिक्सचर दोबारा ऐड करेंगे। अब हम मैंगो के क्यूब्स इस तरीके से डाल देंगे। अब मैंगो जेली बनाने के लिए हम 1 कप में गर्म पानी ले लेंगे। अब हम गर्म पानी में मैंगो जेली पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम लिक्विड जेली को जल्दी से बॉल में ऐड कर देंगे ताकि जमे ना। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हम अपने कस्टर्ड की 5th लेयर के लिए क्रीम ऐड करेंगे, और किसी भी कंपनी का आप क्रीम ले सकते हैं। फाइनली मेरा बहुत ही फिंगर लेकिन 5 लेयर्ड मैंगो कस्टर्ड रेसिपी रेडी हो चुका है। तो आपने भी इसे जरूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको हमारी यूनिक रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।